वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। जैसे कि बच्चों, मैंने हर रीजन वाइज आपको जो कॉलेजेस है, कॉलेजेस के लिस्ट कितने टोटल है, टोटल इंटेक कैपेसिटी कितनी है बताई दी थी। वैसे आज हम लोग अभी देखने वाले अमरावती डिवीजन। अब अमरावती डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सबसे मेन बच्चों आपको अमरावती, यवतमाल, बुलढाणा, वाशिम ये और साथ में अकोला, इतने डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उसमें सेगांव है, आपको सेगांव पता होगा, चिखली, चिखली में भी एक कॉलेज अच्छा है, पुसद, पुसद में भी एक कॉलेज अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, यहाँ पे जो इंटेक कैपेसिटी सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60 है बच्चों, ये 1964 का कॉलेज है, मतलब बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, ऑब्वियसली आपको भी समझ में आता होगा। सीएस एंड इंजीनियरिंग 60 की इंटेक कैपेसिटी बच्चों, आईटी की है 60 की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 60, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग 30 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 है। संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, अमरावती यूनिवर्सिटी बच्चों, यहाँ पे आपको फूड टेक्नोलॉजी की 15 सीट्स है, ऑयल एंड पेंट टेक्नोलॉजी की 15 सीट्स है, पेपर एंड टेक्नोलॉजी की यहाँ पे 15, पेट्रोल केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 15 सीट है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ यवतमाल, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 60, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 60, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 कैपेसिटी है और इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 60 है, मैकेनिकल इंजीनियर 60 है। ये बच्चों चॉइस कोड दिया वाला है, ये गवर्नमेंट कॉलेज का कोड है बच्चों, कॉलेज का है और इस ब्रांच का कोड है, चॉइस कोड ही याद रखना, आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सेगा, अच्छा कॉलेज है ये भी। यहाँ पे बच्चों सीएस एंड इंजीनियरिंग है 60 इंटेक कैपेसिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 60 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बच्चों 60 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन 120 सीट्स है एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट्स है। यहाँ पे राम मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी अमरावती, यहाँ पे बच्चों सिविल इंजीनियरिंग के लिए 120 सीट्स है, सीएस इंजीनियरिंग के लिए 120, आईटी के लिए 120 है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी 120 है बच्चों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 120, सिविल के लिए यहाँ पे 60 और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे। अब ये आफ्टरनून और मॉर्निंग सेशन है, इसमें आप बोलेंगे सर डबल डबल क्यों बता रहे, तो इसका रीजन आप लोग देख सकते हो। पी आर पोटे एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट अमरावती, इस कॉलेज में बच्चों सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60 इंटेक कैपेसिटी है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए आई थिंक यहाँ पे कुछ आफ्टरनून सेशन होना चाहिए था, 60 इंटेक कैपेसिटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 120, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे आपको सीट दी वाली है, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। सिपा शिक्षण प्रसारक मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, यहाँ पे ये कॉलेज में बच्चों सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट्स है, उसके बाद में सीएस इंजीनियरिंग के लिए 180, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 120, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 120 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट्स है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे आप लोगों के पास शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अकोला, इसमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 120 सीट्स है, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 है बच्चों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 है। जनता शिक्षण प्रसारक मंडल बाबा साहेब नायक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुसद, ये अच्छा कॉलेज है बच्चों, ये भी सिविल इंजीनियरिंग के लिए 120 है, कंप्यूटर के लिए यहाँ पे 60 सीट्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 30 सीट्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60 है और आईटी, एआई एंड डेटा साइंस बच्चों, ये न्यू ब्रांच है, अच्छी ब्रांच है, इसके लिए भी 60 है। यहाँ पे आपको चिखली का जो कॉलेज है बच्चों, ठीक है, ये भी कॉलेज अच्छे ही है, अनुराधा इंजीनियरिंग कॉलेज कहते हैं उसको, शॉर्ट फॉर्म में अनुराधा इंजीनियरिंग कॉलेज, ये कॉलेज भी अच्छा है। इसमें आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 60 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 60 है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 60 है, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 45 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 60 सीट्स है। जवाहरलाल दर्डा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यवतमाल, दर्डा कॉलेज आपको पता होना चाहिए भैया, या दर्डा जी यहाँ पे शिक्षा मंत्री थे कुछ सालों बाद, आई थिंक मेरे ख्याल से 6 साल पहले, आई थिंक है ना, पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वहां पे तो जवाहरलाल जो यहाँ पे दर्डा साहब है वो इनका शिक्षा मंत्री का कॉलेज है, ये हमारे महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री थे वो। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60 है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 30 है, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 30 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 है।
ठीक है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए इसकी 30 सीट्स है। श्री हुमन यहाँ पे अमरावती का कॉलेज है बच्चों यहाँ पे, तो ये भी कॉलेज एक अच्छा कॉलेज है। इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 60 है, इन आईटी के लिए 60 है, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन के लिए 30 है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 30 है। राजेंद्र गोड़े इंस्टीट्यूट ऑफ द, यहाँ पे इंस्टीट्यूट दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे जो सीट्स अवेलेबल है वो है हमारे सिविल के लिए 120, सीएस एंड इंजीनियरिंग के लिए 60 है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 60 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 120 है। द्वारका बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास फाउंडेशन राजर्षि शाह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बुल्ढाना, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60 है, कंप्यूटर के लिए यहाँ पे 30 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 30 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 है। श्री दादा साहेब गवई चैरिटेबल ट्रस्ट श्रीमती कमलताई गवई इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, यहाँ पे अमरावती का कॉलेज बच्चों, ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60 है, कंप्यूटर के लिए यहाँ पे आपके 30 सीट्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 30 सीट्स है और मैकेनिकल इंजीनियर 60 है, टोटल 240 है। ये कॉलेज का चॉइस कोड है बच्चों, ये 1126, और ये चॉइस कोड इस ब्रांच का कोड है, ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जगदम्बा बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्थान जगदम्बा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यवतमाल, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 60, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 60, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन के लिए 30 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 है। प्रोफेसर राम मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इस कॉलेज में बच्चों सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 120 है, सीएस एंड इंजीनियरिंग के लिए 120 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 60 है, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के लिए 120 है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 60 है। विजन बुल्ढाना एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी पंकज लड्डा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट स्टडी यलगांव, ये जो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए 30 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 30 सीट्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 30 सीट्स है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 30 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 30 है। यहाँ पे सनमति इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पे वासिम वासिम का कॉलेज है बच्चों, वासिम में सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 30 सीट्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है, 210 सीट्स है। पद्मश्री डॉक्टर विवेक कोलते कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मलकापुर बुल्ढाना, इस कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट्स है, कंप्यूटर के लिए 60 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 है, 240 सीट है। माउली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी शेगांव, यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 60 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 60 सीट्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 है, इलेक्ट्रिकल एंड टेली कम्युनिकेशन 60 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60 है। सिद्धि विनायक टेक्निकल कैंपस स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च टेक्नोलॉजी, ये कॉलेज है बच्चों, यहाँ पे आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए 30 है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 30 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 30 है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन के लिए 30 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 30 है। मानव स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये जो कॉलेज है बच्चों, ये बालापुर अकोला में कॉलेज है, ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपके 27 है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 27, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 27 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 108, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका कॉलेज का कोड है और ये चॉइस कोड, ये चॉइस कोड याद होना बहुत ही जरूरी है बच्चों, बच्चे को चॉइस कोड ही पता नहीं होते हैं कि आपको चॉइस जब भी करना पड़ता है कॉलेज वो चॉइस कोड पता होना चाहिए। मतलब बच्चों अभी जो मैंने हर महाराष्ट्र के कॉलेज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी है, चेकआउट कर लेना। मैंने पहले पुणे रीजन पूरा कवर किया है, बाद में मुंबई के कॉलेज लिए, बाद में औरंगाबाद डिवीजन में आप लोगों को यहाँ पे जालना बीड है ना, लातूर नांदेड़ ये सभी कॉलेज मैंने यहाँ पे उस्मानाबाद ठीक है परभणी हिंगोली सभी कॉलेज कवर किए, बाद में नासिक नंदुरबार धुले नगर इसके कॉलेज कवर किए थे, बाद में अभी अमरावती में आप लोगों को बच्चों मैंने यवतमाल अमरावती बुल्ढाना अकोला वाशिम, मतलब यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट का, वर्धा का भी मैंने, वर्धा नागपुर नागपुर डिवीजन में वर्धा गोंदिया वो सब कुछ कॉलेज, महाराष्ट्र के हर कॉलेज के बारे में बच्चों मैंने आज तक आपको इन्फॉर्मेशन दिया। तो प्लीज हर कॉलेज की यहाँ पे आप लोग कैपेसिटी सब कुछ दे सकते, चॉइस कोड गवर्नमेंट कॉलेज कौन से है क्या है सभी चीजें मैंने आपको बता दी है। प्लीज शेयर करना ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, और लाइक करना, और न्यू हो तो भैया सब्सक्राइब भी करना। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर। हेलो बच्चों,
बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के लेक्चर नहीं मिलते, आपको ऊपर डालना पड़ेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। जैसे ही फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक डालने के बाद आपको ये मिलेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल, उसको पहले क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद ये पेज मिलेगा आपको, होम पेज, होम पेज पे आने के बाद आपको इंट्रो मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे फिजिक्स के पूरे नोट्स अवेलेबल्स है, और वो भी गिरीश डावरे सर, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर, चीफ मॉडरेटर, मॉडरेटर और एग्जामिनर रहने वाले सर है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को नीचे आने के बाद फिजिक्स क्लास 12th, 11th एंड 10th के पूरी फिजिक्स के लेक्चर मिलने वाले हैं। जैसे कि पार्ट 1 के पूरे लेक्चर्स है इसमें, पार्ट 2 के इसमें लेक्चर्स है फिजिक्स क्लास 11 के, 10 के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। नीचे आने के बाद आपको पार्ट 1 में रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मिलेगा, केटीजी एंड रेडिएशंस के लेक्चर्स मिलेंगे, पूरे ऑक्सीलेशन के मिलेंगे, सुपरपोजिशन में इंपॉर्टेंस फार्मूलेज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। साथ में नीचे आने के बाद आपको पार्ट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस मिलेगा, और साथ में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया एंड सेमीकंडक्टर, ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे पूरे मिलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि पूरा सिलेबस इस चैनल पे मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, पूरे यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, सभी टेस्ट भी इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।